हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो आप सबको गुड इवनिंग। और अभी देख सकते हैं चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आए हुए हैं बारी बारी में आलू में पानी पटाना है। इसीलिए तो सुबह से लाइन दिया हुआ था, मतलब सुबह से लगे हुए हैं मेरे देवर जी आलू पटाने में। तो देखने के लिए आए हैं कि उनका पटाने हुआ कि नहीं, उसके बाद हमको भी आलू पटाना। हाँ, दिखा दिए, बोल रहे ठीक से दिखाई ब्लॉग में, इसलिए दिखा दिए तो भाग गए। तो फ्रेंड्स, मेरा टेंशन खत्म हो गया। अभी टेंशन इसलिए आए थे कि सोचे क्या हो गया होगा तो हम अपना बारी पटाएंगे पानी, लेकिन अभी यहाँ बहुत ज्यादा बाकी है। तब तक मेरे सास आ जाएगी पानी पटाने के लिए। हम चलते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम काम नहीं करते हैं। मेरा और भी बहुत कोई काम नहीं, मेरा और भी बहुत ज्यादा काम है। अभी एक बजने वाला, एक बजे मेरी बेटी आती है, उसको लाने के लिए जाना है। कितना दूर? ऊपर कुली ऊपर है उसको ले के आना, उसको चेंज कराना, उसको खाना खिलाना। तो ब्लॉग में बने रहिए, अगर बारी आएंगे तो फिर से दिखाएंगे इसको। हाँ, तो ब्लॉग में बने रहिए, अभी जाते हैं, आते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हम नहीं काम करते हैं, काम करते हैं, वीडियो बनाने के लिए नहीं स्पेशल आए, इसलिए आ गए हैं। सोचे कि पानी भी पड़ जाएगा और वीडियो भी बन जाएगा, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है पानी पटाते हुए वीडियो बनाना। इधर दीदी बैठी हुई है, फिर दीदी इधर पानी मतलब सो जाएगी, तब तक ले हम आ जाएंगे टिया को लेके। फिर घर कर के आए, सोचे कि वहाँ पर दीदी होगी इसीलिए। हाँ, हमारे रहते काम ला। तो घर पहुँचे भी नहीं, मतलब घर अंदर भी नहीं गए। और जो टिया जिस वैन से जाती है उसके वो ड्राइवर अभी फ़ोन करके बोले हैं कि आ जाइए लेने के लिए। तो अब जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। देख सकते हैं यही है हम लोग का मोड़, यहीं पर आता है टिया का वैन, आ गया। और इधर है पंचमुखी का मंदिर, और क्या गई तो इधर एक ठो दुकान है और एक ठो चाची का दुकान इधर है। यहीं पर हम लोग सारा सामान सब खरीदते हैं, और टिया जब भी स्कूल जाती है जाते टाइम भी और आते टाइम भी खरीदती है, उसके बाद ही जाती है अपना वैन पे। अभी आ गई तोहर बना दो वीडियो, तोहर दुकनवा का प्रचार कर दे रहे। तो ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं टिया कैसे मतलब खाने का सामान किस तरह खरीदती है जाते टाइम भी आते टाइम, कितना मतलब इसका अच्छा ठीक है, देखते रहिए। हाँ, किस तरह इसको नाटक बोल सकते हैं कितना नौटंकी करती है खरीदने की। कितना चीज खरीदी दिखाओ? चार चीज खरीदी। चलो चल के चलो ना, गोदी टिया को ले लिए गोदी, अब हम लोग जा रहे हैं ना। कुछ बोल दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, तब हम उतार देंगे गोदी से। बोलो तो यही बोलेंगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं और कुछ बोल दो शेयर करने के लिए, शेयर करने के लिए रे। अरे शेयर भी कर दीजिए, शेयर भी कर ही दीजिए तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो टिया को लेके आ गए स्कूल से, और
बारी में दीदी गई हुई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब आलू में पानी पटाने के लिए और दीदी के लिए पानी लेके जा रहे हैं। मेरी भेगनी भेगनी सब जानते हैं, ये बहुत फेमस है, सब जानती है मेरी भेगनी को, सब जानते हैं मेरी भेगनी। आओ आओ क्या, तो ब्लॉग में बने रहिए, रोड में ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, नहीं तो सबको लगेगा कि कितना चिड़िया है। हाँ कंटिन्यू भी रही, बारी पहुँच गए हैं, टिया भी पहुँच गई है, ए खराब हो जाएगा। इधर से पानी आ रहा है तालाब से, देखिए वहाँ पर नहीं, तो मोबाइल क्यों लाए, मोबाइल कैसे छुए, आलू तो पटाना है, गंदा चीज़ है, किसको किसको आलू पटाना, क्या डांस करो ना, वो सब में जीत जीत के दे रहे थे क्या ऊपर ना, नहीं फिर इतना कैसे ना भींग गया, बोली बोली टिया डांस करो ना, टिया का डांस मिलने लगा अपने ना, टिया भींगेगी पानी में, ज्यादा भरने देते हैं मामी। एक घंटे से आलू पटा रही है और एक लाइन बचा है बस, देखिए इतना कंप्लीट कर दी मामी अकेले। देख सकते हैं कितना काम करती है मामी। हाँ बहुत काम करी है, हम भी दो दिन बनिया ना। आलू पटाने कंप्लीट हो गए, एक लाइन बचा है वो गई है बड़ी मामी और नानी। मामी एक घंटे से पटा रही थी आलू, कैसा लगा मामी? बहुत ही अच्छा। हाँ? हाँ, अब नेक्स्ट टाइम शिवानी पटाएगी, वो भी उसको भी अच्छा का अनुभव लेना पड़ेगा ना। अच्छा। वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।